हरदोई जनपद के थाना कछोना क्षेत्र में गांजा मादक पदार्थों की बड़े पैमाने पर बिक्री की सूचना पर अपराध नियंत्रण पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के नेतृत्व में कछोना पुलिस व एसटीएफ टीम ने संयुक्त अभियान चलाया। बुधवार को कछोना पुलिस व एसटीएफ टीम द्वारा ग्राम कटियामऊ मोड़ पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक सफेद रंग की मारुति डिजायर कार हरदोई की तरफ से आ रही है। पुलिस टीम द्वारा रोकने पर मारुति चालक कार चालक रोककर भाग खड़ा हुआ, पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। पकड़े गए युवक ने अपना नाम कुंवर सिंह पुत्र नन्हे लाल निवासी ग्राम गंगूपुर थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत बताया। कार में जांच के दौरान भारी मात्रा में स्मैक मिली। मारुति कार यूपी 25AJ5170 के चालक की सीट के नीचे दो पॉलिथीन सिल्वर रंग की गंधहीन स्वादहीन पाउडर बरामद हुआ, जिसका वजन 1 किलोग्राम है। पकड़े गए युवक ने बताया यह स्मैक है, वह बरेली निवासी आसिफ से खरीद कर लखनऊ निवासी सुनील को बेचने जा रहा था। तस्कर बरेली बदायूं पीलीभीत आदि शहरों में तस्करी करते हैं। युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आकर आर्थिक व शारीरिक नुकसान कर रहे हैं। एक बार नशे की गिरफ्त में आने पर अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। कछोना में ढाबा व चाय की दुकानों से धड़ल्ले से गांजा की पुड़िया बिक्री हो रही है। पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ अपराध संख्या 317/22 धारा अगस्त 21-23 GB 60 NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया गया। पकड़े गए 1 किलोग्राम स्मैक अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत 1 करोड़ रुपये है। गिरफ्तार करने वाली टीम क्षेत्राधिकारी बघौली विकास जायसवाल, प्रभारी निरीक्षक संदीप सिंह, दिलीप कुमार तिवारी, पुष्कर वर्मा, अंजनी यादव, संतोष एसटीएफ, रामबरन यादव, रोहित कुमार, अमन सिंह, अशोक राजपूत, कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने तस्कर को गिरफ्तार किया है। आज दिनांक 20 जुलाई को थाना कछोना क्षेत्रांतर्गत थाना कछोना की पुलिस व एसटीएफ उत्तर प्रदेश की टीम अपराधियों की धरपकड़ हेतु चेकिंग कर रही थी। तभी एक कार वहां से गुजरी, संदेह होने पर उसको रोका गया तो उसमें से एक व्यक्ति निकल कर भागने लगा। पकड़ने पर उसने अपना नाम कुंवर सेन निवासी पीलीभीत बताया और यह भी कहा कि उसकी गाड़ी में स्मैक है, इसलिए वो भाग रहा था। इस पर एक गस्टेड अफसर क्षेत्राधिकारी बघौली को बुलाया गया, तलाशी ली गई तो कार में से 1 किलोग्राम दो पॉलीथीन में स्मैक मिली, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है। इसके द्वारा अभियुक्त द्वारा बताया गया कि यह उसने बरेली निवासी एक व्यक्ति से खरीदा था और लखनऊ बेचने जा रहा था। इस पर जो है उसको गिरफ्तार किया गया है, विधिक कार्रवाई की गई है और उसकी कार को भी कब्जे में लिया गया है।